हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, कल हमने इंडक्शन मशीन की बात की और जो बच्चे मेरे को जानते जो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने इंडक्शन मशीन बहुत अच्छे से देखा होगा। तो अपना जो ये सीरीज है कि इंडक्शन मशीन के जो कंसेप्ट हैं उनको 5 मिनट के अंदर कैसे रिकॉल किया जाए, तो हम अपन विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा कल जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ इंडक्शन मशीन, जिन्होंने देखा होगा उनको मेरी बात समझ में आएगी अच्छे तरीके से कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा शायद उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार कल का सेशन जरूर देखिए, उसके बाद ये सेशन जरूर देखिए। 5 मिनट, 5 मिनट निकालिए, आपको पूरा कंसेप्ट रिकॉल हो जाएगा। ओके, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा क्या था कल कि हमारे पास इंडक्शन मशीन होता है, उसका बेसिक के बारे में हमने बात किया था। हमने बोला था कि इंडक्शन मशीन उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों म्यूचुअली कनेक्टेड होती है, आइसोलेटेड होती है, तो म्यूचुअल इंडक्शन वहाँ पे होता है। तो इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF आता है। वैसे ही आपकी जो इंडक्शन मशीन है उसमें भी आप स्टेटर पे सप्लाई देते हो तो रोटर पे क्या आता है, EMF आता है। तो इसलिए वो किसके थ्रू आता है, इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू आता है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए तो आप उसको इंडक्शन मशीन बोलते हो। अब सर रोटर कैसे रोटेट करेगा? सर आप जब स्टेटर पे 3 फेज AC देते हो तो AC देने के बाद एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिंक्रोनस स्पीड से आपका घूमता रहता है, रोटर के चारों ओर घूमता रहता है सिंक्रोनस स्पीड से, जो कि एक स्टेशनरी स्पीड होती है। ओके, तो ये बात दिमाग में बिठाइए कि जब भी आप AC सप्लाई दोगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, भले वो 3 फेज हो या 2 फेज हो, आपके पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो एक स्टेशनरी स्पीड से घूमता रहेगा। अब जब वो घूमेगा तो वो जो आपके पास रोटर है उसके कंडक्टर को कट करेगा और उसको कट करने के बाद रोटर पे EMF इंड्यूज होगा, और जब EMF इंड्यूज हो जाएगा तो आपको पता है कि उससे करंट भी बनेगा, और आपको पता है कि करंट का रिलेशन टॉर्क से होता है। तो सर करंट बना तो वहाँ पे टॉर्क मिल जाएगा, और रोटर को अगर एक बार टॉर्क मिल गया तो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। हमने ये नहीं बताया था कि वो राइट हैंड से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बस इतना पता है कि रोटर को टॉर्क मिल गया, टॉर्क मिल गया तो बेटा वो रोटेट करने लग जाएगा, बस इतना हमने देखा था। अब इसके बाद हमने देखा कि सर ट्रांसफॉर्मर, थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए इंडक्शन मशीन्स को पढ़ने के लिए। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसके अंदर आपने देखा था कि हमने नो लोड करंट, जो कि मैग्नेटाइजेशन करंट था, उसका 2-5% ऑफ रेटेड करंट इतना रिक्वायरमेंट होता है। मतलब आपके पास कोई 100 एम्पीयर करंट है तो आपको सर वहाँ पे नो लोड करंट आपको कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 2-5 एम्पीयर। ये किस लिए? वहाँ पे बेटा आपको क्या करना होता है कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर फ्लक्स को सेटअप करने के लिए आपको मैग्नेटाइजेशन करंट का रिक्वायरमेंट होता है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि सर फ्लक्स को सेटअप करने के लिए हमारे को किसका रिक्वायरमेंट होता है, मैग्नेटाइजेशन करंट का। तो सर वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में कोई एयर गैप नहीं होता क्योंकि बीच में कोर होता है जो कि सिलिकॉन स्टील से बना हुआ होता है। ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब सिलिकॉन स्टील। तो सर वहाँ पे कोई एयर गैप नहीं है तो वहाँ पे हमारे को जो मैग्नेटाइजेशन करंट का रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत कम होता है, मतलब 2-5%। अब यही कंपेरिजन हम इंडक्शन मशीन से बात कर रहे थे, तो इंडक्शन मशीन में सर हमारे को 30-35 एम्पीयर ऑफ रेटेड करंट, इतना एम्पीयर करंट का हमारे को रिक्वायरमेंट होता है सर नो लोड करंट का। ये नो लोड करंट मतलब मैग्नेटाइजेशन करंट। इतना क्यों सर? क्योंकि बीच में जो बेटा एयर गैप होता है, और ये चीज़ दिमाग में बिठाइए कि एयर गैप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस होता है। अगर ये रिलक्टेंस होता है तो आपने देखा था कि φR = MMF होता है। MMF क्या होता है? NIM होता है। तो सर रिलक्टेंस अगर हमारे पास बढ़ रहा है, मतलब एयर गैप आपके पास बढ़ रहा है, तो रिलक्टेंस भी बढ़ रहा है, और रिलक्टेंस बढ़ रहा है तो सर MMF की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा पड़ेगी, तो मैग्नेटाइजेशन करंट का रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा पड़ेगा। एयर बोलती है कि भैया मैं खुद अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन करंट का रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे को ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन करंट दो तभी मैं ज़्यादा यहाँ पे MMF यहाँ पे क्रिएट कर पाऊँगा। इसीलिए आप एयर को कहाँ पे लेते हो, आप ट्रांसफॉर्मर के अंदर एयर को नहीं लेते हो। क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि वो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है, इसलिए आप सिलिकॉन स्टील की कोर यूज करते हो। इतना बात समझ में आ गया। दूसरी बात सर, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है, मतलब अलग अलग होती है। अगर इंडक्शन मशीन में बात करूं तो बेटा जो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है वो यहाँ पे स्टेटर की प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है, स्टेटर वाइंडिंग हो जाती है। जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है वो यहाँ पे रोटर की सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाती है। ये बात क्लियर? नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे ये होता है, दोनों आपकी म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करती है, इंडक्शन और ट्रांसफॉर्मर। डिफरेंस ये है कि आपके पास ट्रांसफॉर्मर स्टेटिक डिवाइस है, बट आपके पास इंडक्शन मशीन एक रोटेटिंग मशीन है। ओके, ये स्टेटिक नहीं है।
और अगली बात ये कि यहाँ पे जो रोटेटिंग मशीन होता है वहां पे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कन्वर्जन होता है या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है। अगर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल हो रहा है तो मोटर है, और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हो रहा है तो वो आपके पास जनरेटर है। तो आपके पास आप बोलते हो कि सर ये हमारे पास इंडक्शन मोटर एंड इंडक्शन हमारे पास रोटर होता है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस होता है। बट ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन नहीं होता, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई इलेक्ट्रिकल, बीच में मैग्नेटिक डोमेन, आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल, मतलब इनपुट भी इलेक्ट्रिकल होता है, आउटपुट भी आपका इलेक्ट्रिकल होता है, उसको मैग्नेटिक डोमेन से निकलना होता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है। ये बात क्लियर। नेक्स्ट बात हमारे पास ये आती है कि सर जो EMF डेवलप होता है इंडक्शन, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है, 4.445 FN, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, स्पीड नहीं, स्पीड नहीं है, टर्न्स है ना, या TPH भी लिख सकते हो। अब जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में आपके पास आ गया फाई, ये जो फाई होता है ना बेटा, ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है, इसलिए आप फाई एम लिखते हो। लेकिन यहाँ पे इंडक्शन मशीन में देखा था आपने E=4.445 FN into KP into KdV किया था, है ना, पिच फैक्टर हो आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ओके। और यहाँ पे जो ये फ्लक्स होता है ना इंडक्शन मशीन में, ये मैक्सिमम फ्लक्स नहीं होता है, ये आपका वो फ्लक्स होता है जो आप एक पोल से यूटिलाइज करते हो, मतलब फ्लक्स पर पोल, आपको DC मशीन में बताया था मैंने, फ्लक्स पर पोल होता है ये, ओके। ये KP KD कैसे आया सर? सर यहाँ पे जो वाइंडिंग हम यूज करते हैं इंडक्शन मशीन में, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग यूज करते हैं, वहां से आता है ये। जब मैं सिंक्रोनस मशीन पढ़ाऊंगा तब आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के बारे में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, अभी के लिए ध्यान रख लीजिए। ट्रांसफॉर्मर के अंदर से हम कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग हम यूज करते हैं, इतनी बात समझ में आ गया। अगली बात ये है कि हमारे पास जो इंडक्शन मशीन होती है उसका जो स्टेटर पे जो वाइंडिंग होती है बेटा, वो आपकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग की तरह काम करती है। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है? फ्लक्स को क्रिएट करना। आर्मेचर वाइंडिंग का काम क्या होता है? वोल्टेज को डेवलप करना, मतलब पावर को वहां पे डेवलप करना। तो भैया हमारे पास वो दोनों की तरह काम करती है, इसी तरीके से आपकी बनाई जाती है स्टेटर की वाइंडिंग, ठीक है। अब इंडक्शन मशीन में ऐसा नहीं है कि भैया स्टेटर एंड रोटर दोनों को सप्लाई दी जाती है, एक को ही सप्लाई दी जाती है, या तो स्टेटर को दी जाएगी या रोटर को दी जाएगी। तो इसीलिए इस मशीन को आप सिंगली एक्साइटेड मशीन बोलते हो। ट्रांसफॉर्मर को भी आप सिंगली एक्साइटेड बोलते हो क्योंकि उसको भी एक साइड ही आप सप्लाई देते हो। बात समझ में आ गया? बट सिंक्रोनस पढ़ेंगे तो सिंक्रोनस आप डबली एक्साइटेड मशीन होती है क्योंकि उसको दो सप्लाई मिलती है, AC भी मिलता है और DC भी मिलता है, रोटर और स्टेटर दोनों पर सप्लाई होती है, इसलिए उसको डबली एक्साइटेड बोलते हैं, ठीक है। इतना ही पॉइंट था हमारा, तो ये खत्म होता है। अब बेटा जो हमारा आज का जो सेशन होगा उसके अंदर हम थोड़ा सा बेसिक्स और अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज रात को 9:30 PM पे पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखा बेटा कल का सेशन जरूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो जरूर सुनिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा, आप फाइनली जब एग्जाम देने जाओगे तो आपकी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी अच्छे तरीके से। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जिन बच्चों ने यार सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, उससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, तो आप टेलीग्राम जरूर चैनल जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा, क्लास का PDF मिल जाएगा, सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल, एंड मिलते हैं आज रात को 9:30 PM पे इंडक्शन मशीन के साथ।